नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि स्त्री का कौन सा एक अंग पकड़ने से राजा भी भिखारी बन जाता है। यदि आप स्त्री का ये अंग पकड़ते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी यदि अमीर होंगे तो गरीब हो जाएंगे। इसीलिए आपको भूलकर भी स्त्री के इस अंग को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जीवन में कई ऐसी गलतियां इंसान करता है जिसके कारण वो तबाहो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रमाणित मानी जाती हैं। चतुर राजनीतिज्ञ समाज शास्त्री व बुद्धिमता के धनी आचार्य चाणक्य को राजनीति, आर्थिक और दार्शनिक लगभग सभी विषयों की गहराई से समझ थी। चाणक्य जी ने अपने नीति के बल पर ही एक साधारण से बालक को सम्राट बनाया था। महान बुद्धिजीवी आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई बातों का जिक्र किया है जिनका पालन अलग अलग व्यक्ति कर ले तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। महाज्ञानी, दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी गलतियों का जिक्र किया है जिनके जरिए एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो दोस्तों, कौन से वो काम है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर एक है बुरे काम करने से कमाया गया धन। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग बुरे काम करके या फिर छल कपट के जरिए पैसा कमाते हैं उनके पास वह पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। ऐसे लोग हमेशा मुसीबत से घिरे रहते हैं। गलत कामों द्वारा कमाया गया पैसा जल्द ही नष्ट और तबाह बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, नंबर दो है दिन में सोने वाला। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग सुबह से शाम तक सोए रहते हैं उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। सूर्योदय से शाम तक सोने वाले लोगों के घर में हमेशा दरिद्रता और संकट छाए रहते हैं। और दोस्तों, नंबर तीन है अधिक भोजन करने वाला। जो लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं वह हमेशा दरिद्र रहते हैं। चाणक्य जी के अनुसार जरूरत से ज्यादा भोजन करना गरीबी की ओर लेकर जाता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। और दोस्तों, नंबर चार है कठोर वाणी। जिन लोगों की वाणी कठोर होती है उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, साथ ही इनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग भूलकर भी किसी पुरुष को नहीं पकड़ना चाहिए। दोस्तों, बात बड़ी अजीब है लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप स्त्री के एक खास अंग का स्पर्श करते हैं तो काली माता नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं वह अंग कौन सा है। स्त्री की काया सुकोमल होती है। संबंध स्थापित करने के दौरान भी उसके साथ नजाकत से पेश आना चाहिए, लेकिन एक खास जगह पर उसका स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। और वह खास जगह है उसकी नाभि। जी हाँ, स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति निहित होती है। यहाँ स्पर्श करने से पुरुष पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। यूं भी नाभि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह हमारे पूरे शरीर का केंद्र होती है। ठंड के दिनों में यहाँ नियमित तेल की बूंद डालनी चाहिए। यहाँ तेल डालने के और कई फायदे होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको महिला की नाभि को भूलकर भी नहीं स्पर्श करना चाहिए।